Hey guys, welcome back to my YouTube channel Host Paradibus, and I hope you all must be doing really well. Topic for today's video is the review of Landmark Foundation Institute of Hotel Management Dehradun. So मुझे लोग बहुत बोल रहे थे कि आप होटल मैनेजमेंट के ऊपर जो कॉलेजेस रिव्यू हैं उनको थोड़ा स्टार्ट करो, बट तुम्हें पता है कि अभी मैं मुंबई में हूँ और अभी मैं अपनी जॉब कर रहा हूँ, अपनी कॉर्पोरेट जॉब कर रहा हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ. बट आई ट्राइड माई बेस्ट डूइंग सम रिसर्च एंड आई गेट टू नो अबाउट दिस पर्टिकुलर कॉलेज, जो हमारा कॉलेज है लैंडमार्क इंस्टीट्यूट. सो इसके बारे में हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, पूरा अच्छे से प्लेसमेंट्स के बारे में जानेंगे, कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, फीस के बारे में जानेंगे. इट्स अ प्रिटी गुड डिसेंट कॉलेज एंड आई थिंक तुम लोगों को इसके ऊपर एक थॉट देना चाहिए. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन डूइंग होटल मैनेजमेंट, देहरादून में लोकेटेड कॉलेज है. चलो इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं. सो गाइस, अगर सबसे पहले हम लोग फैसिलिटीज की बात करें तो यहाँ पर 5 acres में इनका पूरा लैंड फैला हुआ है, जिसमें आपको हॉस्टल फैसिलिटी मिलती है फॉर बॉयज एंड ऑल्सो फॉर गर्ल्स. ठीक है, तो जो भी दोनों लोग हैं उन लोगों के लिए आपको एक हॉस्टल फैसिलिटी मिल रही है. गाइस, इस इंस्टीट्यूट का अगर मुझे सबसे ज्यादा कोई बेस्ट पार्ट लगा, सो दैट इज द अफोर्डेबिलिटी पार्ट. तो अगर तुम लोग कॉलेज के अफोर्डेबिलिटी को लेकर थोड़ा वरीड हो, तुम लोग थोड़ा फीस को लेकर वरीड हो, तो आई थिंक ये कॉलेज तुम्हें मामले में बहुत अच्छा लगेगा. सो 60,000 कॉलेज का फीस है, ठीक है, पर ईयर का. तो गाइस, अगर हम लोग कॉलेज की फीस की बात करें एंड कोर्सेज की बात करें, सो दे प्रोवाइड BHM, ठीक है, जो कि हमारा एक 3 years का कोर्स है. प्लस अगर हम कॉलेज की फीस की बात करें, सो दैट इज 60,000 पर एनम. सो फॉर एन ईयर आई एम टॉकिंग अबाउट इट इज 60,000, ठीक है. तो अगर 3 साल का कोर्स है तो यू कैन कैलकुलेट योर फीस. बट उसके अलावा तुम्हारे हॉस्टल के चार्जेस होते हैं अलग से, तुम्हारे फैसिलिटेशन चार्जेस होते हैं, यानी कि जो यूनिफॉर्म वगैरह होगा उसको तुम्हें अपनी फीस देनी पड़ेगी. उसके बाद गाइस, ये लोग सर्टिफिकेट के कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं. तो अगर हम लोग सर्टिफिकेट के कोर्सेज की बात करें, सो फूड प्रोडक्शन हो गया, F&B हो गया, फ्रंट ऑफिस हो गया, इंटरनेशनल कुकिंग हो गया, उस सब में ये लोग तुम्हारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं. तो वो चीज़ तुम लोग चेक कर सकते हो. उसके बाद गाइस, सबसे बेस्ट बात अगर मुझे कोई लगी, बीइंग समवन हु ग्रेजुएटेड लाइक अंडर ग्रेजुएटेड फ्रॉम IIM शिमला, मुझे नेचर से बहुत प्यार है, ठीक है. तो जब मैं अपने कॉलेज में था तो मुझे नेचर के पास रहना बहुत अच्छा लगता था, एंड दिस कॉलेज, पर्टिकुलरली दिस कॉलेज इज इन देहरादून, जो कि नेचर के बहुत क्लोज है. तो आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द प्लस पॉइंट अबाउट दिस कॉलेज. तो तुम्हें थोड़ा कंसिडरिंग ऑल दिस थिंग, मतलब लोगों के लिए मैटर कर सकता है नहीं कर सकता, बट जिस तरीके से पॉल्यूशन हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो देहरादून में जिस लोकेशन में कॉलेज है, तो तुम्हें बहुत एक अच्छी एनवायरनमेंट वहाँ पे मिलती है, ठीक है. तो तुम्हारी कॉलेज लाइफ जो होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है उस चीज़ में. तो कैसे अगर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर थोड़ा और डिस्कस करें, सो दे हैव बेकरी का अलग से क्लास, बेसिक क्लासेस इनके पास है, एडवांस है, चाइनीज इनके पास स्टेशन है, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ ये लोग अलग से प्रोवाइड करते हैं, जिम वहाँ पर अवेलेबल है, लाइब्रेरी है, ऑडियो विजुअल रूम है, ठीक है. तो ये सब इस कॉलेज की फैसिलिटीज़ हैं. एंड आई थिंक जिस फीस की मैं बात करूँ, जिस फीस में ये लोग तुम्हें ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं ना, वो बहुत बड़ी बात है. उसके अलावा गाइस, अगर हम लोग प्लेसमेंट्स की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ जो मैं बोलूँगा गाइस, कि ये ना मैनेजमेंट का कॉलेज भी प्रॉपर एक अलग से है, लेकिन इनके और भी अलग से कोर्सेज हैं. हम लोग कुछ कंपनीज़ की बात करें जो कंपनीज इस कॉलेज में विजिट करती हैं, सो यहाँ पर हम लोग बात कर सकते हैं मैरिट इंटरनेशनल की, जो यहाँ पर है, लेमन ट्री इज़ देयर, अलॉफ्ट इज़ देयर, पीटर इंग्लैंड जो कि एक रिटेल का ब्रांड है, डेट इज़ देयर एज वेल. उसके अलावा PNG का अगर तुम लोगों ने नाम सुना होगा, डेट इज़ रिलेटेड टू सम कॉर्पोरेट. टाटा ग्रुप यहाँ पर है, अमेरिकन एक्सप्रेस इज देयर, सो बैंकिंग इज ऑल्सो देयर, पिज्जा हट, QSR इज देयर, HDFC बैंक इज देयर. ऐसे नहीं है कि इनके होटल के प्लेसमेंट है. अगर तुम लोग इनका प्लेसमेंट का रैकेट देखो, तो इनके पास QSR भी है, इनके पास रिटेल्स भी है, इनके पास कॉर्पोरेट्स भी है, इनके पास होटल्स भी है, तो इनके पास डिफरेंट टाइप के प्लेसमेंट्स है. तो मुझे ऐसा लगता है बहुत डिसेंट सा कॉलेज है, प्लेसमेंट्स भी अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, ठीक है, और डिग्री भी ये लोग तुम्हें सही प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें फीस तो सबसे बड़ा अफोर्डेबिलिटी वाला एक तुम्हारा पॉइंट है ही. उसके अलावा गाइस, अगर हम लोग बात करें तो इनके कुछ और पॉइंट्स की, तो यहाँ पर एक फॉरेन लैंग्वेज का अलग से ट्रेनर है, तो तुम्हें फॉरेन लैंग्वेज के ऊपर फोकस कराया जाएगा, फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी. तो ये आई थिंक इस कॉलेज के कुछ प्लस पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर मुझे डिस्कस करना था. अभी गाइस, मैं कॉलेज की एक छोटी सी तुम लोगों को वीडियो दिखाऊंगा, जिससे तुम्हें और अच्छा आइडिया हो जाए इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के बारे में. सो प्लीज़ हैव अ लुक एट दिस वीडियो, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेल दैट व्हाट एवर आई एम टॉकिंग अबाउट, तुम थोड़ा रिलेटेबल फील कर पाओगे. सो गाइस, दिस वॉज ऑल अबाउट लैंडमार्क फाउंडेशन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट देहरादून. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. तुम्हारा जो भी फीडबैक है इस कॉलेज को लेकर, अगर कॉलेज तुम्हें अच्छा लगा, तुम्हें कॉलेज को लेकर कोई फीडबैक देना है, तुम्हें कॉलेज के लेकर कोई क्वेरी है, यू कैन जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. तुम मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट हो सकते हो, वहाँ पर मैं तुम्हें रिप्लाई करूँगा. मैं इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, ठीक है, तो तुम लोग मेरे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट हो सकते हो. यू नो मैं बिजी स्केड्यूल, ठीक है, बट मैं यूट्यूब पर इतना वीडियोज़ रेगुलरली नहीं बना सकता, बट इंस्टाग्राम पर मैं बहुत ज़्यादा रेगुलरली रहता हूँ. तुमसे वहाँ पर क्वेश्चन पूछो, तो मैं अगर कॉलेज से रिलेटेड कोई क्वेरी है, मैं कॉलेज का सारा डिटेल्स यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, तो तुम लोग हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो. अगर तुम्हारा कोई भी डिटेल है, तुम लोग कॉलेज को कॉन्टैक्ट कर सकते हो. सो गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय, टेक केयर, बाय.